वेलकम टू नुक्कड़ लाइव न्यूज़। मैं मुनव्वर शेख, नुक्कड़ लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज मैं गोवंडी के मानपुर डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर के पास वार्ड नंबर 141 के पास आज शिवसेना उदय बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने, श्री गोविंद विठ्ठल लोकरे साहब ने आज एक हो उदय चर्चा एक अभियान रखा था। अब आइए हम उनसे बात करते, जानते कि इस अभियान का क्या मकसद था। सर, आज जो प्रोग्राम था हो उदय चर्चा, क्या कहना चाहिए सर इसके बारे में और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आपको मराठीत बोलो, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की होऊन दे चर्चा हा चौथा कार्यक्रम हे डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर इथे घेतलेला आहे। आणि ह्या होऊन देव चर्चेचा अर्थच असा आहे की त्यांनी जी चायवर चर्चा केली होती, पण ती चायवर चर्चा केल्यानंतर आज 2023 आले, त्या चायवरती चर्चा काही झाली नाही। आणि आज जे उद्धव साहेबांचा मेसेज आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये की होऊन जाऊन दे चर्चा, आणि जी चर्चा करायची आपल्याला ती सत्य घटनेच्या आधारावर करायची, फेकाफेक करायची नाही। आज तुम्ही जर फेसबुकला टाकलं किंवा गुगलला टाकलं, फेकू जर टाकलं तर मोदीचं नाव येतं, तसं उद्धव साहेबांनी तसं केलेलं नाही। उद्धव साहेबांचं मत आहे की पूर्णच्या पूर्ण जे हकीकत आहे, जे 2014 पासून 2023 पर्यंत जे जनतेसमोर तुम्ही जे मांडलं होतं, 14 ला जे तुम्ही आश्वासन दिलं होतं, 2019 ला तुम्ही आश्वासन दिले होते जे जनतेच्या हिताचे आहेत, जे जनतेला वाटतं आहे की बेरोजगारी 2 कोटी तुम्ही घालवणार, पण 18 कोटी बेरोजगारी झाली, उलटी बेरोजगारी तुम्ही घालवली नाही, बेरोजगारी वाढवली। आणि जे मोठे मोठे धंदे आहेत, जसे फॉस्कॉनपासून अनेक मोठे धंदे आहेत, जे छोटी सेमीकंडक्टरपासून जे काम करतात, असे जे धंदे आहे तुम्ही महाराष्ट्रातून घेऊन जाऊन तुम्ही गुजरातला घेऊन जाताय, आणि तुम्ही बोलताय की 2 कोटी जनतेला 2 कोटी रोजगार आणू, परंतु तुमचं ध्येय आणि तुमचं जे हेतू आहे ते लोकांच्या जनतेच्या नजरेत आलेलं आहे। आणि 2024 ला तुम्हाला जे गुजरात आहे ते तुम्हाला मला वाटतं सिंगापूर करायचं आहे, आणि महाराष्ट्राला जसं ते मजीद खाननी बोललं की जे हुतात्मे झाले, जे 106 हुतात्मे झाले, त्यावेळीचे गत आणून त्यावेळेचं तुम्हाला करून ह्या महाराष्ट्राला तुम्हाला बदनाम करायचं आहे असं मला वाटतं आहे। परंतु मला आज तुमच्या माध्यमातून सांगतो की जनता हे हुशार आहे। तुम्ही एका इलेक्शनला तुम्ही उल्लू बनवू शकता, 2014 ला, 2019 ला तुम्ही उल्लू बनवू शकता, पण 2024 ला तुम्हाला जनता ही तुमची जागा दाखवून देईल। आणि माझ्या हिशोबाने असं वाटतं आहे गुजरातला त्यांना गो बॅक करायचे आज दिवस आलेला आहे। आणि 2024 मध्ये त्याच्या अगोदर जे डिसेंबर नोव्हेंबरला 5 राज्यामध्ये इलेक्शन आहे, त्या इलेक्शनमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की पूर्णच्या पूर्ण सर्वे हा BJP च्या विरोध आहे आणि इंडिया आघाडीच्या बरोबर आहे। जनतेचं हित हे इंडिया आघाडीने धरलं आहे, राहुल गांधींनी धरलं आहे, उद्धव साहेबांनी धरलेलं आहे। जे जे इंडिया आघाडीमध्ये शरद पवार आहेत, ममता बॅनर्जी आहेत, आपचे जे आहेत, म्हणजे सर्वच्या सर्व हे इंडिया आघाडीमध्ये आल्यामुळे, आणि जे लोकांच्या हिताचं आहे, जे ED च्या वास्ता दाखवून हे लोकांना फसवायचं काम करतात, ED फक्त ह्यांना त्यांच्यामध्ये घ्यासाठी ED चा वापर करतात। पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जे माझ्या वाचण्यात आलं आहे, जे 3000 छापे यांनी मारलेत, ED चे किती छापे मारले, 3000 छापे मारले, जे ED ची स्थापना झाली 1957 ला, ED चा वापर असा कोणीच केला नाही, 3000 छापे मारले त्यांनी, आणि त्याच्यावर फक्त केस किती केली, 4000 वरती केस केली, 3000 छापे आणि 4000 केसेस। मला सांगा की 3000 छापे आणि 4000 केसेसमधून एक आरोपी त्यांनी पकडला काय? एक आरोपी मला दाखवा की ED ने 4000 छापे मारून हे जे केसेस घेतले त्याच्यामध्ये एक आरोपी दाखवा, एकही आरोपी नाही। CID चा वापर, CBI चा वापर, NI चा वापर करून ते मोठ्या प्रमाणावर दहशत निर्माण करायचा प्रयत्न करतात आणि सत्ता आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करतात, त्याच्या व्यतिरिक्त ED बाकी काय काय करत नाही। सर महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए सर? आज जो आपने जो मोर्चा निकाला था सर, महंगाई के खिलाफ भी निकाला था, क्या कहना चाहिए? नहीं, महंगाई तो आपको मालूम है, आज सादा जो तूर डाल है आज 160 के ऊपर है, मुझे लगता है तूर डाल 2014 में 40 रुपये थे, डीजल पेट्रोल कुछ तो 54-60 के लगभग था, आज देखेंगे आप डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर गया है, गैस सिलेंडर आप देखेंगे 450 के 1200 हो गए,
उसके बाद में जो कमर्शियल है उस पर और 200 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। तो इन्होंने महंगाई का कुछ रखा ही नहीं है और बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़े मुझे लगता है। अगर डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है तो सामान्य आदमी क्या बोलते कि मैं थोड़ी फोर व्हीलर से जाने वाला हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं। मगर जो उसमें भाजीपाला आता है, जिसमें किराना माल आता है, वो उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाता है और फिर किराना माल अपने पास दुकान में आने के बाद में उस पर टैक्स बढ़ने के बाद में वो आम आदमी जो महिला है जो वहाँ से वो खरीदी करती उस पर बढ़ जाता है। सर अभी जो 5 राज्यों में जो अभी चुनाव होने वाला है उसके बारे में आप क्या? 5 राज्यों में आपको मालूम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इसमें इनका पूरा के पूरा पत्ता साफ हो रहा है। मगर मुझे एक दुखी बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, इसमें ओएसए जो MIM पक्ष के, ये जाके उधर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, तो ये बीजेपी से मिले हुए ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस वजह से आने वाले इसमें हम सब, हमारे भाई यहाँ पे सब मुस्लिम बांधव है, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ओएसए MIM से सावध रहना चाहिए। ये बीजेपी की दूसरी टीम है तो ये सावध रहने की बहुत ज़रूरत है। सर जैसे कि इंडिया के नाम को लेकर बहुत इशू हो रहा है, बीजेपी जब से इंडिया नाम गठबंधन हुआ है विपक्ष का, तो इसके ऊपर बीजेपी बहुत नाम चेंज करने की बात कर रही है। नहीं, इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं देखो, इंडिया नाम, भारत नाम, हिंदुस्तान नाम, इसको कोई नहीं बदल सकता है। जब अच्छा होना है तो इंडिया नाम आया और इसका डर बीजेपी को हो गया है। अगर वो संसद में जाके इंडिया बदली करना चाहते तो क्या हिंदुस्तान तो नाम है, तो फिर हिंदुस्तान नाम अगर आया, समझो उन्होंने कुछ निकाला, इंडिया का भी अलग अलग उन्होंने बताया है इंडिया नाम कैसा आया, तो एक फुलूक बोलते हैं ना और एक अच्छा कुछ संकेत रहता है, तो ये इंडिया नाम जुड़ के आया है। इसका मतलब 2024 में इनको घर पे बैठाना है, उस वजह से इंडिया नाम आया। ओके, वादा किए थे कि हर टाइम हमारे जितने यंग लोग हैं सबको हम जॉब देंगे, तो 2 करोड़ लोग को जॉब देंगे, तो किसी को मिला जॉब? तो इसी तरह मोदी वादा करते रहते हैं और हमें हमेशा ऐसा बनाते रहते हैं। मोदी जी हमेशा हमें कुछ ना कुछ नए नए नुस्खे देते रहते हैं, उसके हमें लिए कुछ भी नहीं होता है। अभी देख रहे हैं हम पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है, डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है, 2014 से और 2023 में कितना फर्क हुआ डीजल और पेट्रोल के भाव, ये आप सब खुद देख रहे हो, आपको खुद पता है। मोदी जी हमेशा हमें बता रहे कि आपके अकाउंट में मैं 15 लाख डालूंगा, आपके यहाँ महिला के ऊपर तो कितने अत्याचार हो रहे हैं, वो भी मोदी जी उसके ऊपर भी कुछ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। हर टाइम कुछ ना कुछ नया हमें सुनना पड़ता है। मैं महंगाई के ऊपर ही बोलूंगा, जो भी है दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं है। आज पेट्रोल देखो 106 रुपया लीटर हो गया और गैस सिलेंडर 910 रुपया, और महंगाई इतनी जोर होती जा रही है, लोगों के पास रोजगार है नहीं और लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनके पास इतना ही नहीं है। बहुत है चर्चा जो आज शिवसेना की तरफ से 141 विभाग की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उस प्रोग्राम में मैं आपको 2014 से लेकर तो 2023 के बीच में जो सच्चाई घटी है उसके बारे में ही बात होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। साथियों आपको पता है 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने हमारे से क्या क्या वादे किए थे, पेट्रोल सस्ता करूंगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए क्या? किसी के 15,000 आए रहेंगे, 1500 रुपए नहीं, कुछ भी नहीं। देखो फिर से एक बार चेक करके आए रहेंगे, मगर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जिसके खाते में आना चाहिए था वो जब यहाँ की महायुति की सरकार टूटी उसके खाते में तो आए, किसके? तो खोखे सरकार के, ये तो आपको पता है, खोखे आए उनको, खोखे से पैसा लिया यहाँ की सरकार उन्होंने तोड़ने के लिए, ये तो आपको पता है। साथियों 2 करोड़ रोजगार की बात की, बात तो तुम छोड़िए, जो लोगों के पास रोजगार था उसको भी छीना जा रहा है। मैं महानगर पालिका में एक कचरा वाहक श्रमिक संघ बन के मेरे एक यूनियन है जिसमें 15,000 वर्कर है, 15,000 वर्कर काम करते, हम लोग पिछले कम से कम 23 साल से काम कर रहे हैं। साथियों मेरे से बड़े सीनियर है, मैं तो उतने साल से नहीं कर रहा हूँ, मगर सीनियर काम कर रहे हैं, कोर्ट में हमारी केस चालू है, जब तक शिवसेना थी BMC में, शिवसेना के टाइम से हम लोग को बराबर पगार आ रही थी, बराबर भत्ता आ रहा था, ये सब चीजें हो रही थी, मगर क्या हुआ है कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ मुंबई के पालक मंत्री
मंगल कुमार लोढ़ा जी ने बीएमसी के हर वार्ड में एक अपना ऑफिस बना के रखा है। उन्होंने बीएमसी की तैयारी कर ली, उनको यहाँ पे सत्ता लानी है। और गुजरात में तो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ गुजरात का बोलबाला करके हमारे महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने का काम किया है। और देश में जितनी भी सरकारें तोड़ने का काम जो बीजेपी कर रही है सरासर गलत है, और ये बहुत ही गलत हो रहा है साथियों। ये हमें समझना होगा, बीजेपी की राजनीति को हमको समझना होगा। हमें हर समय हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाया जाता है, मगर नहीं, लोग अभी जागरूक हो चुके हैं भाई। जब तक संविधान का राज चलेगा हिंदू मुसलमान साथ चलेगा, ये बात को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे अभी लोग इतने फुर्ती पागल नहीं है कि आपके बातों में आ जाए और यहाँ पे आपस में झगड़े करे। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करने वाला। यहाँ पे हमने देखा आपने महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर रोज अत्याचार होता है साथियों, रोज दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। तो पड़ेगा कल की बात है, मणिपुर में जो घटना घटी थी शायद आपने से बहुत कमेंट पे मोदी जी से बाहर निकल के बात तक की नहीं गई, मगर आज जब वहाँ पे कई दंगा हो जाए, दूसरे देश में कुछ कई दंगा होता है तो मोदी जी बोलते अरे यार बहुत गलत हुआ। अरे अपने देश में एक राज्य में जहाँ पे तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा है, वहाँ की सरकार संभालनी नहीं हो रही है, उसके बारे में तो आपसे बात नहीं की जाती है, मगर आप दूसरे देश की बात को यहाँ पे लेके आते हो, ये सरासर गलत है साथियों। हमें ये बात समझनी होगी कि 2024 में इनकी क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, हमें समझना होगा। अभी से हमें जागरूक होना होगा। हम इस देश के राजा है, हम मतदाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें मतदान का अधिकार दिया था, वो टाइम पे हमें राजा बनाया था, तो हमारे वोट को हमें कैसे देना है, किसको देना है, वो हमें उतना समझ आनी चाहिए साथियों। आज ये सरकार आपस में लड़ा रही है, अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, दर बदर महंगाई। बाटले का जब हमें सब्सिडी 2014 में सब्सिडी मिला करती थी, 450 में बाटला था और सब्सिडी भी आती थी, अरे सब्सिडी चोरी करके खा गए इन लोग, उतने भी उनसे नहीं सब्सिडी। महिलाओं को रक्षाबंधन के टाइम पे हमने 200 रुपए हमारे बहनों को तोहफा दिया, अरे तुम्हारी फटी पड़ी है भाई, क्योंकि ना 2024 में जो इंडिया का गठबंधन हुआ है इससे तुम्हारी फटी पड़ी है, इसलिए 200 रुपए भाव कम किया, बाकी कुछ नहीं किया है। और आने वाले दिनों में देखना, अभी जो 5 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको धूल चटाने के लिए इंडिया गठबंधन आएगा, और आपको यहाँ से जैसे 2014 से पहले आप सत्ता के बाहर थे, उसी तरीके से आपको सत्ता से बाहर रखा जाएगा। अरे हमें भी समझना होगा, देखो हम शिक्षित लोग है, पढ़े लिखे लोग है, अभी हमको इन लोग की जो राजनीति है समझ में आना चाहिए, संघ परिवार की राजनीति। अरे यहाँ की सरकार तोड़ के एक चाचा को अपने भतीजे से अलग किया, एक मुख्यमंत्री को अच्छा खासा मुख्यमंत्री भाई, बाकी जितने भी राज्य है सबसे अच्छा अगर किसी ने संभाला तो उद्धव जी ने संभाला है। कोविड के टाइम तो आपको पता है जिस तरीके से मुंबई की आबादी इतनी है साथियों, गली गली जगह जगह झुकी है, गोंडी में कितने 12.5 लोग रहते हैं, फिर भी हमारे घर कोविड का इतना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार सशक्त थी, उन्होंने वो टाइम पे संभाला है। बाकी राज्यों का हाल आपने देखा है किस तरीके से है, वो टाइम पे उनको सरकार चलाने भी नहीं मिली, फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने सरकार चलाई, इन्होंने उद्धव जी ने, उनको सत्ता से बाहर किया गया, मगर नहीं, यहाँ की जनता जानती है आपने किस तरीके से उनको हटाया, यहाँ की जनता आपको भी ना उसी तरीके से हटाएगी, भले आप कितना भी बीजेपी के साथ जाओ, किसके भी साथ जाओ, ये महाराष्ट्र के लोग है, महाराष्ट्र में पहले से भी महाराष्ट्रियों का दबदबा था और रहेगा, ये बात तो है, महाराष्ट्र हमारा है, यहाँ पे गिरनी कामगारों के टाइम से महाराष्ट्र हमारा है, गुजरातियों का महाराष्ट्र नहीं था, आज गुजराती पार्टियां लगाई जा रही है, अरे क्यों भाई, गुजराती पार्टियां, महाराष्ट्र में मराठी नहीं है क्या, मराठी के बैनर लगाओ ना, मराठी में पार्टियां लगाओ दुकानों पे। कल एक घाटकोपर में वोट की तोड़फोड़ हुई है, आपको पता होगा शायद, गुजराती में वोट लगा रहे थे। तो जिस तरीके से बीजेपी इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई के टाइम पे जो महाराष्ट्र था इसको गुजरात में लेना चाहती थी, शायद आपको पता नहीं होगा, ये गुजरात में मुंबई को लेना चाहती थी, मगर यहाँ के हमारी जो लड़ाऊ थे 106 हुतात्मे जिन्होंने अपनी शहादत दी है कि मुंबई को बचाने के लिए, उसी तरीके से आज हर एक मुंबईकर अपने मुंबई को बचाने के लिए अपनी जान की दांव पे लगाएगा साथियों। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो लोकेश साहब को धन्यवाद दूंगा, आपकी यहूदिया चर्चा जो प्रोग्राम इन्होंने किया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे मन की बात के अलावा मोदी जी को चर्चा करने को तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को तैयार नहीं है, हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, तो ये हो जाए हमारी ये चर्चा उन तक पहुंच जाए कि हाँ भाई यहाँ के लोग चर्चा आपसे करना चाहते हैं, इससे अगर उनके कुछ समझ में आए तो। देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, परसों ही उन्होंने बोला कि मैंने हम लोग ने सब टोल लाके माफ किए, अरे कौन से टोल लाके माफ किए भाई, आज गाड़ी जो भाजी तरकारी लेके जाते उनके टोल लाके माफ किए क्या आपने,
मैं तो टोल भर रहा हूँ, मैं डेली आता जाता हूँ, मैं टोल भरता हूँ हर टोल पे। तो ये लोगों को इस तरीके से बोलते हैं ना कि हमको गुमराह करके अपनी सरकार चलाने का काम कर रहा है, सत्ते के लालची हैं लोग, कुर्सी के लालची लोग हैं। तो आने वाली इलेक्शन में आपका एक फर्ज बनता है इनको इनकी औकात दिखाने का। इतना ही बोल के रुकता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। धन्यवाद भाई।